नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। 1978 में जब डेन ज़ोंगपिन चीन की सत्ता पर काबिज हुए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर उनका एक कोट बहुत फेमस हुआ। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बिल्ली काली है या सफ़ेद, जब तक वो चूहों को पकड़ रही है वो अच्छी बिल्ली है। ये सिद्धांत वैसे तो साम्यवाद और समाजवाद के बीच उलझे हुए चीन को निकालकर एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की कवायद को लेकर था, लेकिन इसी सिद्धांत पर चीन आज भी आगे बढ़ रहा है। भारत के साथ कई मुद्दों पर सीधे टकराव के बाद भी चीन अपने व्यावसायिक हितों को राजनयिक संबंधों से अलग रख रहा है, यानी उसके लिए व्यापार और मुनाफा आज भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत के पास कोविड-19 की वजह से जो एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की संभावना है उस पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी, और आज का वीडियो केंद्रित है भारत और चीन के बीच जो व्यापार की वर्तमान स्थिति है और उसमें दोनों देश कहाँ खड़े होते हैं उसके बारे में। आज इस पूरे टॉपिक का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आज डिकोड करते हैं इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन को। जब भी हम किसी देश के साथ ट्रेड यानी व्यापार की बात करते हैं तो हमें इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड डिफिसिट और ट्रेड सरप्लस जैसे शब्दों से कई बार रूबरू होना पड़ता है। घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए अगर हम सामान विदेशों से मंगाते हैं तो इसे इम्पोर्ट यानी आयात कहते हैं, और अगर किसी सामान का घरेलू उत्पादन होता है और विदेशी उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए हम सामान दूसरे देशों को भेजते हैं तो इसे एक्सपोर्ट यानी निर्यात कहते हैं। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच जो टोटल मॉनेटरी डिफरेंस होता है उसे ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। अब अगर किसी देश के साथ ट्रेड में इम्पोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाती है तो उसे ट्रेड डिफिसिट कहते हैं, और अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू इम्पोर्ट से ज़्यादा हो जाती है तो उसे ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। ट्रेड बैलेंस के लिए केवल विजिबल गुड्स को कंसीडर किया जाता है, यानी इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। दोस्तों, ये तो हुई ट्रेड से जुड़ी हुई फंडामेंटल बातें, चलिए बात करते हैं आंकड़ों की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत का सारे देशों के साथ कुल ट्रेड $844.15 बिलियन का रहा, जिसमें इम्पोर्ट $514 बिलियन और एक्सपोर्ट $330 बिलियन का रहा है। यानी भारत के कुल ट्रेड में 39% हिस्सेदारी एक्सपोर्ट की है और 61% हिस्सेदारी इम्पोर्ट की है। ट्रेड बैलेंस -$184 बिलियन का रहा, जो कि टोटल ट्रेड का 22% है। ट्रेड डिफिसिट होना भारत के लिए नया नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में भारत के ट्रेड बैलेंस की स्थिति क्या है। हमारा ट्रेड बैलेंस हमेशा से ही निगेटिव रहा है, यानी भारत अभी भी सामानों के एक्सपोर्ट के मामले में इम्पोर्ट की तुलना में बहुत पीछे है। अगर हम भारत के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो 2018-19 में हमारे ट्रेड की स्थिति कुछ इस तरह रही है। यहाँ दी गई टॉप 10 कंट्रीज़ टोटल अमाउंट का 50% लगभग होल्ड करती हैं। 2018-19 में अमेरिका के साथ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को मिलाकर $87.96 बिलियन का ट्रेड हुआ, जो कि टोटल ट्रेड का 10.42% था। यानी पिछले साल अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, चीन $87.07 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर, उसके बाद UAE, सऊदी अरब, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, इराक, जर्मनी, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया, यानी ये हमारे टॉप 10 ट्रेडिंग कंट्रीज रही हैं। दोस्तों, चीन के साथ जो ट्रेड का एक भारी भरकम आंकड़ा है उसको डिकोड करने के लिए हमें इस पूरे सेगमेंट को 3 हिस्सों में समझना पड़ेगा। पहला, इंडिया के टोटल ट्रेड में चाइना का पार्टिसिपेशन कितना है। दूसरा, इंडिया के टोटल इम्पोर्ट में चाइना कितना कंट्रीब्यूट करता है। और तीसरा, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में चाइना की कितनी हिस्सेदारी है। अगर भारत और चीन के बीच व्यापार की बात करें तो 2001-02 में चीन का भारत के साथ व्यापार महज $3 बिलियन था, जो कि 2018-19 में $87 बिलियन तक पहुंच गया। पिछले 4-5 वर्षों को देखें तो भारत के कुल व्यापार में चीन की हिस्सेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। 2015-16 में भारत का कुल व्यापार $642 बिलियन का था, जिसमें चीन की हिस्सेदारी $70.72 बिलियन की रही है। 2016-17 में ये हिस्सेदारी $71.45 बिलियन और 2018-19 में चीन के साथ टोटल ट्रेड का $87.07 बिलियन का ट्रेड हमारा चीन के साथ रहा है।
अगर परसेंटेज के फॉर्म में बात करें तो 2015-16 में भारत के कुल व्यापार में चीन की हिस्सेदारी 11.01%, 2016-17 में 10.85%, 2017-18 में 11.67% और 2018-19 में 10.31% कुल हिस्सेदारी चीन की रही है। एक कंपाइल्ड डेटा आप यहां पे देख सकते हैं। अगर भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी की बात करें तो भारत अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा चीन से आयात करता है। भारत ने पिछले 2 सालों में चीन से इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, उसके पार्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक और उससे बने हुए सामान, आयरन और स्टील को सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया है। 2018-19 में भारत ने चीन से $70 बिलियन से भी ज़्यादा का आयात किया है। 2017-18 में तो ये $76 बिलियन से भी ज़्यादा था। पिछले 4 सालों में भारत अपने टोटल इंपोर्ट का लगभग 16-17% हिस्सा केवल चीन से आयात कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अपनी जरूरतों के लिए किस हद तक चीन पर निर्भर है। भारत चीन व्यापार में अगर सबसे चिंताजनक बात कुछ है तो वो है भारत का एक्सपोर्ट। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 2015-16 में भारत का निर्यात कुल मिलाकर $262 बिलियन का था, जिसमें केवल $9.01 बिलियन का निर्यात हमने चीन को किया। 2018-19 के आंकड़े भी कमोबेश ऐसे ही हैं। $330.08 बिलियन के कुल निर्यात में महज $16.75 बिलियन का निर्यात चीन को हमने किया था, यानी कुल निर्यात का केवल 5% ही हम चीन को निर्यात करते हैं। भारत ने पिछले 2 सालों में चीन को कॉटन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, अयस्क, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल, फिश और क्रस्टेशियन को निर्यात किया है। भारत का चीन के साथ ट्रेड डिफिसिट हमेशा एक परेशानी का सबब रहा है, यानी हम जितना सामान चीन को एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा सामान हम चीन से खरीदते हैं। चीन के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट अभी भी $53 बिलियन के ऊपर है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले 4-5 सालों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पोजीशन और इंडिया चाइना ट्रेड डिफिसिट का एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस हमने इस वीडियो में किया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भारत और चीन के बीच इतने बड़े व्यापार घाटे यानी ट्रेड डिफिसिट की मुख्य वजह क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रेड डिफिसिट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और तीसरी चीज, बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट या चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाने की मांग क्या तार्किक और व्यवहारिक है। इन सारे मुद्दों का एक समग्र विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।